जय हिंद। नमस्कार। विधानसभा चुनाव परिणाम में तीन राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब केंद्र सरकार को यह पता चल गया है कि अग्निवीर योजना लागू किए जाने से उसे चुनावों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और अब केंद्र सरकार न तो अग्निवीर भर्ती में कोई बदलाव करने वाली है और न ही आर्मी एयरफोर्स की पुरानी भर्तियों को ही पूरा कराएगी। विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद न सिर्फ भाजपा तीन राज्यों में अपनी सरकार बना रही है, बल्कि इन परिणामों ने यह संकेत भी दे दिया है कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भी भाजपा की ही लहर रहने वाली है। अब ऐसे में बहुत सारे युवाओं के मन में सीधे तौर पर यह सवाल है, यह ख्याल है कि मोदी सरकार अब युवाओं की एक नहीं सुनने वाली, क्योंकि यह डर अब सरकार के लिए खत्म हो गया है कि अग्निपथ से भले ही कुछ युवा नाराज हों पर सरकार को चुनावों में इसका कोई नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए अब तो सरकार और भी अपनी मनमानी करेगी। तो देखिए दोस्तों, हम इससे सहमत नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेना ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा है जिसमें तीन मांगे की गई हैं, पहला तो यही कि अग्निवीर भर्ती में 25 की जगह 50% को परमानेंट किया जाए, आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल किया जाए और हर साल होने वाली भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो देखिए, यह जो मांगे सेना ने की हैं तो यह बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद ही की है, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए सबसे अहम अगर कोई है तो वो सेना ही होती है। और सेना ने यह मांगे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है, सेना ने यह मांगे सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए की है, और सेना ने यह मांगे सेना में जो एक रोटेशन सिस्टम होता है, जो रिटायरमेंट होते रहते हैं और नए सैनिक आते रहते हैं, उस सिस्टम को सही से बनाए रखने के लिए की है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सरकार को अगर यह लगने लगे कि हम कुछ भी करें पर सरकार तो हमारी ही बन रही है तो जो मन में आएगा हम वैसा करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, सिस्टम को ध्यान में रखा जाना बेहद ही जरूरी है। और देखिए ना, हम तो यही कहेंगे कि शायद सेना ने जो ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है, शायद सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी भी देगी और अग्निपथ योजना में जो भी समय के साथ साथ अगर कुछ और बदलाव करने की भी जरूरत पड़ेगी तो सरकार वो बदलाव भी जरूर करेगी। और अब बात आती है उन युवाओं की जिनकी आर्मी एयरफोर्स की पुरानी भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करके रद्द कर दिया, तो ऐसे में उन युवाओं का अब क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर एक बार फिर से हलचल तेज जरूर हुई है। दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ युवाओं का एक दल वहां पर पहुंचा है और ये पीड़ित युवा एक बार फिर सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई उम्मीद, कोई ऐसी आशा की किरण हमें नहीं दिख रही है कि इन युवाओं को कहीं से कुछ राहत मिले। हालांकि बड़ी बात यह भी देखने को मिली है कि रद्द की गई भर्तियों से प्रभावित होने वाले युवाओं की जो संख्या है वो देश भर में करीब 1,00,000 से भी अधिक है, लेकिन दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ गिने चुने लोग ही अपनी मांगों के लिए वहां पर पहुंचे हैं, जो इन युवाओं के लिए बिल्कुल भी ठीक संकेत नहीं है। ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद से सरकार व सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों तक अब सिर्फ यही रिपोर्ट, यही मैसेज पहुंचेगा कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कुल 20-30 युवा यहां पर पहुंचे हैं और वो भी 2-4 दिन में वापस लौट जाएंगे। देखिए, असल में युवाओं का जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, जब तक वो सरकार तक नहीं पहुंचेगी, नेशनल मीडिया में जब तक उनका दर्द नहीं छलकेगा, तब तक शायद इस मामले में कुछ नहीं हो पाएगा। आप ऐसे भले ही कुछ करते रहें, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो युवा अभी मांग कर रहे हैं कि उनकी पुरानी भर्तियों को पूरा कराया जाए, ये उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है, उनका हक बनता है, ये गलत मांग बिल्कुल नहीं कर रहे। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनकी इस मांग पर विचार किया जाए और उन्हें इस मामले में राहत दी जाए। और देखिए दोस्तों, हम तो आपसे भी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नेशनल मीडिया में अगर आपके इस मुद्दे को सही जगह नहीं मिल पा रही है, तो आज के समय में तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि आप अपनी बात को बड़ी ही आसानी से कहीं तक भी पहुंचा सकते हो, लेकिन हमने देखा कि इसमें भी अधिकतर युवा इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप इस वीडियो को ही देख लेना, इस वीडियो को शेयर करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ युवा तो शुरू के कुछ सेकंड देखकर ही इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। अब देखिए, पहली बात तो यह कि आपके लिए कोई बोलना नहीं चाह रहा, कोई आवाज नहीं उठा रहा, अगर कोई बोल भी रहा है तो उसे आप सभी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अरे, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को उठा सकते हैं यारों, आपकी बात रख सकते हैं, लेकिन उस मांग को जिम्मेदारों तक पहुंचाना, इस आवाज को बुलंद करना आपका काम है। और वो काम आप कैसे करेंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यार दोस्तों को शेयर करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करना होगा, तब जाकर आपकी मांग जिम्मेदारों तक पहुंच सकेगी, आपकी पीड़ा उन तक पहुंच सकेगी और हो सकता है कि आपको वहां से कुछ राहत मिल जाए। और दोस्तों, आखिर में एक बेहद ही कड़वी बात और कहेंगे कि अगर आप सभी को लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर मेरे दोस्तों इस मुद्दे को पूरी तरह से भूल जाओ, भूल जाओ कि कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था। अगर आप योग्य हैं तो फिर किसी दूसरे तैयारी में जुट जाओ,
या फिर बहुत सारे और काम है, आप उनके लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक मौका आपके हाथ से निकल गया और आप खुद भी यह सोचने लगे हैं कि अब यहां पर कुछ हमें नहीं मिलने वाला है, यहां पर कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर दोस्तों अपना समय खराब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप पहले ही आपके 2 से 3 साल से ज्यादा खराब हो चुके हैं। पहले तैयारियों में आपने 3-4 साल खराब कर दिए, फिर आपके एग्जाम को लेकर आपको इंतजार कराया गया, 1.5-2 साल वहां खराब कर दी गई, तो अब आप अपना समय बिल्कुल खराब ना करें। अगर आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, तब आप अपनी तैयारी के साथ में आगे की प्लानिंग करें, और अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर इस बात को भूल जाइए और आप अपनी किसी दूसरी मंजिल की तलाश में जुट जाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।